आते हैं कि मशीन की जो बेसिक फंक्शंस है उनको हम किस तरह ऑपरेट करते हैं। जब भी हम कोई मशीन ऑन करते हैं तो सिस्टम को बूट करने के बाद अकॉर्डिंग टू दी वेंडर या मैन्युफैक्चरर वो अपनी एक डिस्प्ले स्क्रीन पे आती है। ये इसका ऑन ऑफ स्विच है। जब हम इसको प्रेस, क्योंकि मशीन ऑलरेडी ऑन है, लेकिन जब इसको प्रेस करेंगे तो जैसे विंडोज लोड होती है उसी तरह ही सारा सॉफ्टवेयर लोड होगा। फिर ये एक हमारे पास डिस्प्ले स्क्रीन आ गई है। ये पेशेंट इन्फॉर्मेशन स्क्रीन है कि इसमें आपने पेशेंट का नाम, उसकी जो हॉस्पिटल आईडी है वो तमाम एंटर करना है। ये जो बटन आप देख रहे हैं जिस पे ये दो बने हुए हैं ह्यूमन फिगर्स, जब ये प्रेस करते हैं तो नई स्टडी स्टार्ट हो जाती है। सो वेन एवर यू गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू स्कैन, तो आप इसको प्रेस करेंगे तो पिछली सारी इन्फॉर्मेशन जो है टेम्परेरी जो मेमोरी है उसमें से निकल जाएगी, रॉम में से निकल जाएगी। ये जो बटन आप देख रहे हैं जिस पे ये प्रोब का साइन है, इसको जब आप प्रेस करेंगे तो आपके पास जितने अवेलेबल कनेक्टेड प्रोब्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएंगे। जिन मशीन्स में ये एलसीडी नहीं होती उनमें इधर मशीन के जो मेन स्क्रीन है उस पर एलसीडी पर डिस्प्ले हो जाते हैं। तो जो भी आप प्रोब सेलेक्ट करना चाहेंगे जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये चेंज हो गया। अब आप देखें यहाँ पे ये सीधी लाइन होगी, इसका मतलब है कि अभी आपका लीनियर प्रोब कलेक्टेड। जब हम इसको दोबारा कर्वी लीनियर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कर्व्ड की सूरत में आ गई। ये प्रोब सिलेक्शन है। उसके बाद आप आ जाइए राइट साइड ऑफ द पैनल पे। ये जो बहुत सारी नॉब्स हैं ये अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरर्स या वेंडर की जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनके हिसाब से प्री डिफॉल्ट सेटिंग्स पे होती हैं। फिर उसके बाद आप अपनी मर्जी से ये कंट्रास्ट, फ्रीक्वेंसी और जो गेन है उनको एडजस्ट कर सकते हैं, बट दैट ऑल सब्जेक्टेड टू द पर्सन्स ओन चॉइसेस। अब हम मेन नॉब्स पे आते हैं। सबसे पहले जो मेन कंट्रोल पैनल पे है, ये जो एक व्हील जिसे कैट भी कहते हैं, इट्स जस्ट एक्ट्स लाइक अ माउस। जब हम कोई लेट्स सपोज कोई मेजरमेंट करना चाहते हैं या ये कर्सर को मूव करना चाहते हैं तो ये देख रहे हैं आप एक कर्सर बन गया है तो ये इससे मूव होगा। लेकिन ये फंक्शन जो है डायनेमिक, यानी जब स्कैन हो रहा है उस वक्त नहीं करेगा। जब हम स्कैन कैसे करते हैं पहले मैं आपको बताता हूँ। ये एक बटन देखें, ये फ्रीज है, FRZ। फ्रीज का मतलब ये है क्योंकि अल्ट्रासाउंड के जो प्रोब्स होते हैं इनके अंदर क्रिस्टल्स होते हैं जो कॉन्टीन्यूसली मोशन में होते हैं। अगर उन के मोशन को रोकना हो तो हम फ्रीज का बटन दबाते हैं, और फ्रीज जब दबाते हैं तो जो लास्ट इमेज होता है जहां पे हमने प्रोब रखा होता है बॉडी का वो यहां पे डिस्प्ले हो जाता है। उसके बाद ही हम उस इमेज पे कोई मेजरमेंट, कोई कैलकुलेशन कर सकते, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ये फ्रीज का बटन, फ्रीज के बटन के ऊपर ही विंडो सेटिंग है, ड्यूल और सिंगल। यहां स्क्रीन पे आपको एक इमेज नजर आ रहा है, अगर आप ड्यूल का प्रेस करेंगे बटन तो ये इमेज 50-50 में डिवाइड हो जाएगा, और इसी को जब दोबारा आप प्रेस करेंगे तो दूसरी विंडो आ जाएगी। इसी के ऊपर क्वाड है, अगर आप इसको दबाएंगे तो ये आपके जो हैं 4 इमेजेस बन जाएंगे। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप एक स्टडी में कितने इमेजेस लेना चाहते हैं, 2 या 4। उसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट नॉब है वो 2D की है। 2D का मतलब ये है क्योंकि ये मशीन 2D अल्ट्रासाउंड कर रही है, 3D में नहीं कर रही। जिन मशीन्स में 3D ऑप्शन भी होता है उनके साथ 3D का भी नॉब लगा होता है। यहाँ पे 2D का मतलब ये है कि इसमें इस वक्त डॉपलर एक्टिव नहीं है, सिंपल ग्रे स्केल 2D अल्ट्रासाउंड चल रहा है। उसके बाद अगला बटन जो इम्पोर्टेंट है वो CDI, कलर डॉपलर इमेजिंग। जब हम इसको दबाएंगे तो हमारे पास एक इस तरह का रफ रोम्बॉइड शेप जो है आ जाएगा, और ये जब हम वेसल्स पे इसको फोकस करेंगे तो उसमें ब्लू एंड रेड कलर आएगा। इसी के साथ PW पावर डॉपलर, जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये एक गेट बन जाएगा, और इस गेट को हम अपनी कैट से मूव भी कर सकते हैं। ये जब हम वेसल के ऊपर रखेंगे तो उसके वेलोसिटी डायनामिक्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि अभी कोई पेशेंट नहीं है तो इसलिए नज़र नहीं आ रहा। लेकिन फर्ज करें यहाँ अगर वेसल होती तो हम उसको जब फ्रीज का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद चौथी इंपॉर्टेंट ये एम मोड जो है, एम मोड जब हम कार्डियक अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसका हार्ट रेट या उसकी ट्रेसिंग लेने के लिए एम मोड इस्तेमाल करते हैं। इसका और कहीं कोई फंक्शन नहीं है।
ठीक है।